इंजेक्शन इसको लग रहा है वो सेफ हो, डिस्पोजेबल इंजेक्शन हो, खून की मंतकली जो भी खून उसको ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है वो ये तसली कर ले कि इस खून में जो है ना वो वायरल सेरोलॉजी इसकी हो चुकी है, मतलब हेपेटाइटिस बी सी वगैरह का टेस्ट इसका हो चुका है। इसके अलावा हमाम में जाए तो वो रेज़र हमाम वाले से ये इसरार करे कि मतलब मुझे नया रेज़र अन यूजशुदा रेज़र जो है ना वो मुझे इस्तेमाल कर दे। इनके सिम्टम्स ये हैं कि जैसे वीक कमज़ोरी होती है, आंखें पीली हो जाती हैं, कमज़ोरी होती है, बुखार होता है, कभी कभी मतली होती है, उल्टियों का होना, ये सारी चीज़ें हेपेटाइटिस के इनिशियली ये इनके वो होते हैं अलामत होती हैं। हेपेटाइटिस बी और सी है उसके लॉन्ग टर्म में सिम्टम्स चल रहे होते हैं, जैसे उसमें फीवर हो रहा होता है, उसमें भी बॉडी में थकन हो रही होती है, खुराक कम हो जाती है, ये इनिशियल स्टेजेस होते हैं। फिर अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेज बाय स्टेज अगर प्रोग्रेस हो जाता है उसकी डिज़ीज़ का, तो फिर आखिरकार बंदे को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये कॉम्प्लिकेट कर जाता है अगर ट्रीटमेंट ना दी जाए, जैसे कि बदन फूल जाता है, पेट फूल जाता है, बिल्कुल खून में खून की कमी हो जाती है बदन में, तो पीला बंदा पड़ जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी बीमारियाँ भी इसको लग जाती है, बदन से खून भी आना स्टार्ट हो जाता है, सही मुख्तलिफ़ जैसे नाक से या मसूड़ों वगैरह से। ये ख़तरनाक तो ये जो पीला अरकान है इसमें तो 90-95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, इसमें इतनी ख़तरे वाली बात नहीं होती। रह गई जो ये काला अरकान है, अक्सर इसमें लोगों को मरीज़ों को अपनी बीमारी का पता नहीं होता, ये जाके आखिर में बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें पेट में पानी आ जाता है या खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पेट से बड़े पेशाब में खून का आना, तो कभी कभी ये होता है कि इसकी वजह से लीवर सिरोसिस में जिस स्टेज में होता है उसमें ये होता है कि जिगर में कैंसर भी हो सकता है। तो ये इसके ख़तरनाक की अलामत ये जो काला अरकान है ये ख़तरनाक हो सकता है। सिरिंज हो गया, रेज़र हो गया और खून का ट्रांसफ्यूजन हो गया, जिसके साथ सेक्स पार्टनर है वो तसली कर ले कि उसके जो है ना हेपेटाइटिस बी और सी जो है ना वो नेगेटिव है, और हेपेटाइटिस ए और ई के लिए जो है ना वो पानी का खसूसन ख्याल रखे कि वो पानी और गंदे खुराक वगैरह से होता है, कि जो पानी आ रहा है वो कि उसके सीवरेज के साथ तो मिला हुआ नहीं है, पानी साफ़ है, पानी को उबाल करके पिए। तो ये एहतियाती तदाबीर अगर वो करे आवाम तो इनसे बचा जा सकता है। और ज़िंदगी में मतलब लाइफ में एक मरतबा तमाम जो ये अफराद है आवाम है वो हेपेटाइटिस बी और सी का एक दफ़ा टेस्ट करें। हुकूमत से मेरी ये अपील है कि मास लेवल पे ये टेस्ट किया जाए, मास लेवल पे टेस्ट मतलब जेल में जो कैदी है ये कैदियों का टेस्ट किया जाए, इस तरह स्कूल में बच्चों का टेस्ट किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे तलबा का टेस्ट किया जाए, मदरसों में टेस्ट किया जाए, मास लेवल पे इन जगहों पे टेस्ट किया जाए, ताकि हमें हेपेटाइटिस बी और सी के जो पेशेंट्स हैं वो हमें टाइम पर मिल सके और हम उनका टाइम पर इलाज कर सकें। हेपेटाइटिस एक ख़तरनाक मर्ज़ है, इसे एहतियात कीजिए और ख़ुद को महफूज बनाइए।